फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ अपने यहाँ के एकदम स्पेशल तरीके से बने हुए स्पेशल मूली के पराठों की रेसिपी शेयर करूँगी। मूली के पराठे आपने जो नॉर्मली बनाते हैं वो बहुत बार खाए होंगे, लेकिन इस तरीके से पराठे आपने यकीनन इससे पहले कभी ट्राई नहीं करे होंगे, इसलिए आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आएगा, तरीका बहुत अच्छा लगेगा। उसके लिए आप प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे, थोड़ा भी हेल्पफुल लगे और नया लगे तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। ज़बरदस्त पराठे बनाने के लिए फ्रेंड्स, मैंने एक मूली लिया है जो काफ़ी बड़े साइज़ की है, और साथ ही मैंने चार प्याज ले लिए हैं। और ये मूली और प्याज का पराठा बहुत ही अलग तरीके से बनेगा, तो बस उसके लिए मैंने मूली और प्याज को कद्दूकस कर लिया है, साथ ही चार पाँच हरी मिर्चें और एक छोटा सा टुकड़ा अदरक का भी कद्दूकस करके तैयार रखा है। और आप देखिए, मूली काफ़ी खिली खिली सी है। फ्रेंड्स, अगर आपने जो मूली लिया उसमें ज़्यादा मॉइस्चर है तो अच्छा होगा आप उसे हल्का सा निचोड़ लें, बहुत ज़्यादा निचोड़ने की ज़रूरत नहीं है। और इसके लिए हम एक स्पेशल चीज़ बनाएंगे। उसके लिए मैंने लिया 2 टेबलस्पून जितना देसी घी। आप चाहें तो बटर ले सकते हैं, नॉर्मल कुकिंग ऑयल ले सकते हैं, लेकिन देसी घी के साथ तो टेस्ट ज़बरदस्त आएगा। और उसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून घी और 2 टेबलस्पून ही मैदा डाल देंगे, यानी जितना घी है बिल्कुल उतनी ही मैदा ले लिया है। और ये लिए लाल मिर्चें, थोड़ी सी काली मिर्चें डालेंगे, टेस्ट के हिसाब से नमक डाल दिया। और ये लिए खूब सारी कसूरी मेथी, क्योंकि भरवा पराठों की तो जान होती है। और थोड़ी सी अजवाइन डाल देंगे, क्योंकि मूली के साथ अजवाइन का टेस्ट भी अच्छा आता है और पेट के लिए भी बढ़िया होती है। अभी बहुत ठंड पड़ रही है और घी जो है वो जमा हुआ है, इसलिए मैं इसे कुछ सेकेंड के लिए माइक्रोवेव करूँगी जिससे घी पिघल जाएगा। और ये लीजिए, मैंने इसे माइक्रोवेव कर लिया और देखिए घी अच्छे से पिघल गया है और सब चीज़ें आपस में बढ़िया से मिक्स हो चुकी हैं। तो चलिए, इसे तो अभी एक साइड से रख देते हैं और हम करते हैं आगे की तैयारी। और उसके लिए हम क्या करेंगे, एक बड़ा सा मिक्सिंग बाउल ले लिया है और उसमें डालेंगे 1 कप जितनी मैदा और 1 कप डालेंगे नॉर्मल गेहूँ का आटा। और आप चाहें तो इसे मैदा से ट्राई कर सकते हैं, और आप चाहें तो फ्रेंड्स इसे सिर्फ गेहूँ के आटे के साथ भी ट्राई कर सकते हैं। और फिर से ले ली अजवाइन, वो डाल दी, और टेस्ट के हिसाब से नमक डाल दिया 1/2 टीस्पून जितना मैंने नमक डाला है, और 1 से 1.5 टेबल स्पून डाल दिया कुकिंग ऑयल। भरवा पराठों का अगर फ्रेंड्स डो बढ़िया लग जाता है ना, तो यकीन मानिए पराठों का जो टेस्ट आता है ना, या जो कलर आता है वो बहुत ही बेहतरीन आता है। और हल्का सा गुनगुना पानी लेकर हम डो लगाएंगे। और फ्रेंड्स, अगर आप गर्मियों में लगा रहे हैं तो नॉर्मल पानी के साथ डो लगा सकते हैं, और बस थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और एकदम सॉफ्ट और लचीला सा डो हम लगाकर तैयार करेंगे। बस डो अच्छा सा लग चुका है, हाथों को चिकना करेंगे और इसे अभी रख देंगे फिर से 10 से 15 मिनट के लिए सेट होने के लिए। तो बस कवर किया, साइड से कर देते हैं और अब बना लेते हैं इसकी स्टफिंग। उसके लिए मैंने ये जो मूली प्याज कद्दूकस करके रखे थे इन्हें ले लेंगे, और गैस ऑन करके उसके ऊपर एक कढ़ाई रख दिया, और कढ़ाई में बिल्कुल थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाल देंगे। बहुत ज़्यादा ऑयल इस समय आप ना डालें, वरना पराठा स्टफ करने में प्रॉब्लम हो जाती है। और उसमें डाल दी फिर से अजवाइन, थोड़ा सा जीरा डाल दिया, 1/2 टीस्पून अजवाइन लिया है, 1/2 टीस्पून जीरा, 1 पिंच जितनी हींग डाल दी, और साथ ही ये जो हरी मिर्ची हमने रखी थी ये डाल देंगे, और ये जो अदरक रखी थी ये भी डाल दी। फ्रेंड्स, आप चाहें तो इसमें लहसुन भी डाल सकते हैं, उससे भी अच्छा फ्लेवर आएगा। और बिना लहसुन के भी बनाएंगे तो भी बहुत बढ़िया बनेंगे। और फ्रेंड्स, अगर प्याज नहीं खाते हैं तो भी कोई इशू नहीं है, आप बिना प्याज के भी इसे ट्राई कर सकते हैं। और उसके बाद डाल दिया हमने इसमें प्याज, और आपको इसके लिए प्याज को भूनना नहीं है, बस गर्म करना है कि बस उसका हल्का सा कच्चापन दूर हो जाए, बहुत ज़्यादा आपको ब्राउन नहीं करना है। और उसके बाद डाल दी ये कद्दूकस करी हुई मूलियाँ, इन दोनों चीज़ों को हम बस 1 से 1.5 मिनट तक भूनेंगे, बहुत ज़्यादा आपको भूनने की ज़रूरत नहीं है। बस मूली में हल्का सा क्रंच रहेगा तो पराठे ज़्यादा बढ़िया बनेंगे। तो साथ ही थोड़ा सा नमक डाल देते हैं जिससे मूली को जो भी पानी रिलीज़ करना होगा वो रिलीज़ कर देगी। हल्दी डाल दी, और साथ ही डाल दिया 1/2 टीस्पून लाल मिर्चें, 1/2 टीस्पून डाल दिया अमचूर पाउडर, और बस अब आ रही है इसे हल्का सा गर्म करने की। और आप देख सकते हैं मूली में काफ़ी भाप उड़ रही है, क्योंकि मूली का जो पानी है वो काफ़ी सारा उड़ जाएगा और आपको मिल जाएगी इस तरीके की खिली खिली सी मूली। फ्रेंड्स, मूली की स्टफिंग लगभग तैयार हो गई है, लेकिन अभी उतनी अच्छी नहीं है कि आप इसे स्टफ़ कर सकें, तो उसके लिए हम इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून सत्तू। आप चाहें तो बेसन को ड्राई रोस्ट करके ले सकते हैं, और सत्तू है तो आप सत्तू डाल दीजिए। और अगर आपके पास बेसन या सत्तू नहीं है या नहीं डालना चाहते तो आप चावल का आटा डाल सकते हैं,
पोहे का आटा डाल सकते हैं, और आप चाहें तो इसमें सूजी डाल सकते हैं, यानी बहुत सारे ऑप्शन हैं जिससे आपकी जो स्टफिंग है थोड़ी ड्राई सी हो जाएगी और स्टफ़ करना आसान हो जाएगा। और उसके बाद डाली थोड़ी सी कसूरी मेथी, खूब सारा हरा धनिया डाल दिया और बस स्टफिंग को मिक्स कर लिया। और इसके बाद हम स्टफिंग को रख देंगे कूल डाउन होने के लिए, क्योंकि अगर गरम गरम स्टफिंग से पराठे बनाएं तो काउंटर टॉप बहुत ही गंदा हो जाता है। और ये लीजिए स्टफिंग ठंडी हो गई है। तो अब ये जो हमने आटा लिया था, एक बार इसे अच्छे से मसल लेंगे, और मसलने के लिए बेस्ट जगह रहेगी काउंटर टॉप। तो ये देखिए क्या लचीला सा हमारा आटा तैयार हुआ है। इसे थोड़ा सा स्ट्रेच करके आप इसको इस तरीके से नीट कर लीजिए, जिससे डो और भी अच्छा स्मूथ हो जाएगा। और उसके बाद जितने कि हम नॉर्मल पराठे बनाते हैं उससे थोड़ा सा बड़ा मैंने बॉल ले लिया है, और उसे कर लिया सूखे आटे में कोट, और हथेली उसे हल्का सा बड़ा कर लिया। और इसके बाद बेलन के साथ हम इसे काफ़ी बड़ा सा और एकदम पतला सा बेल कर तैयार करेंगे। फ्रेंड देख रहे हैं ना बनाने का तरीका कितना नया है, और तरीका जो नया है तो आपको टेस्ट मिलेगा बहुत ही ज़बरदस्त। तो ये देखिए मैंने इसे काफ़ी बड़ा सा और एकदम पतला सा बेल कर तैयार रखा है। थिकनेस देखिए एकदम पतली सी है। और हमने ये जो घी के साथ मसाले मिला के रखे थे, अब बारी है इसका इस्तेमाल करने की। बस एक टेबल स्पून जितना लिया और अच्छे से चारों तरफ फैला देंगे। बिल्कुल अच्छे से चारों तरफ हो चुका है, तो अब इसे हम एक शेप देंगे। और शेप देने के लिए आप इसे एक साइड से इस तरीके से उठाइए, इस तरीके से रख दीजिए, और फिर से थोड़ा सा हम ये जो साटा बना के रखा है, यानी कि ये जो मसाला बना के रखा है, ये लगा देंगे। दूसरी तरफ से उठाया, दूसरी तरफ से फोल्ड लगा दिया, फिर से थोड़ा सा साटा लगाएंगे। जितने भी आप इस तरीके से साटे लगाते जाएंगे, आपके पराठे में उतनी ही ज़्यादा लेयर आती जाएंगी, और जब जितनी ज़्यादा लेयर आएंगी ज़बरदस्त स्टफिंग भरी जाएगी, अच्छे से इसे सेका जाएगा तो टेस्ट तो बहुत ही यूनिक मिलेगा ही। और देखिए एक चकोर सा हमारा पेड़ा तैयार है, एक और बना लेते हैं। आपको इसी तरीके के पेड़े बनाकर रखने हैं। और फ्रेंड्स कभी ज़्यादा जल्दी हो, आपको पराठे बनाने हो, तो आप ये तैयारी पहले करके रख सकते हैं। यकीन मानिए जब बनाएंगे तो जो खाएगा वो ज़रूर पूछेगा कि भाई बनाए कैसे हैं, क्योंकि इस तरीके के मूली के पराठे ना तो आपने इससे पहले कभी बनाए होंगे ना देखे होंगे। और लीजिए तो चलिए इसी तरीके से मैं ये सारे पेड़े बनाकर तैयार कर लूँगी। और देखिए शेप कितनी ज़बरदस्त आई है, बिल्कुल शीट जैसा हमारा पराठा तैयार हुआ है। और ये कुछ पेड़े तैयार हैं फ्रेंड्स। अगर गर्मियों में आप ये मूली के पराठे ट्राई कर रहे हैं तो इसे 10 मिनट के लिए फ्रीज में रख दें। और आजकल तो इतनी ठंड है कि फ्रीज में रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि घी आराम से सेट हो चुका है। और उसके बाद हम इसे स्क्वायर शेप में ही बेल कर तैयार करेंगे। और मैंने इसे देखिए थोड़ा सा बड़ा सा बेल लिया है, और अब हम इसमें भरेंगे खूब सारी स्टफिंग, क्योंकि भरमा पराठों में अगर स्टफिंग खूब सारी ना भरी जाए तो मज़ा नहीं आता। और इसे हथेली में उठा लिया, और इस तरीके से चुन्नटे भरते हुए हम इसे बिल्कुल शेप दे लेंगे, जैसे कि हम नॉर्मल भरवा पराठों को देते हैं। अब हमने इसमें जितनी भी लेयर बनाई है ना, जब पराठा बनेगा तो वो सारी लेयर खुल जाएंगी और पराठा हो जाएगा बहुत ही यूनिक। बस अच्छे से सील कर लें, कहीं से भी खुला हुआ ना रहे, पानी वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आटा हमने लगा के रखा है एकदम सॉफ्ट। बस ये पराठे का एक पेड़ा भरवा होकर तैयार हो गया है। और अब बारी है इसे बेलने की। बेलने के लिए ये जो हमने पेड़ा तैयार किया है सूखे आटे में कोट किया, और जैसे हम नॉर्मल भरवा पराठा बेलते हैं, यानी कि एकदम सॉफ्ट हाथ से हम इसे बेलकर तैयार कर लेंगे। इसमें स्टफिंग वगैरह निकलने के कोई प्रॉब्लम नहीं रहती, बहुत इजीली आप इसे बना पाएंगे। बस पराठे बेलते हुए आपको एक ही बात का ध्यान रखना है कि आपको बीच से थोड़ा सा थिक रखिए और साइडें थोड़ी सी पतली रखिए। और ये देखिए परफेक्ट तैयार हुआ। तो चलिए अब दूसरा भी बना लेते हैं। ये स्टफिंग रखी और बस इसे इस तरीके से अच्छे से बंद कर लिया। ये भी तैयार हुआ, इसे भी सूखे आटे में कोट किया और इसे भी बेलकर तैयार कर लिया। फ्रेंड्स ये पराठे बनाने का तरीका जितना आपको स्पेशल लग रहा है ना, टेस्ट भी आपको उतना ही स्पेशल मिलने वाला है। और अब कर ली गैस ऑन और उस पर रख दिया तवा, और तवे को कर दिया ग्रीस। और जैसे ही तवा ग्रीस हुआ उस पर हम अपना ये बिला हुआ पराठा रख देंगे, और एक तरफ से हल्का सा ड्राई होने देते हैं। और जैसे ही पराठा ड्राई हुआ उसे टर्न कर दिया, और देखिए क्या पिंक सा इस पर कलर आया है।
जब पराठों पर पिंक चकती आती हैं तो वो देखने में ज़्यादा अच्छी लगती हैं और दूसरी तरफ से भी हल्का सा सिक गया है तो अब बारी है इस पर ऑयलिंग करने की। आप चाहें तो इसे देसी घी के साथ सेक सकते हैं, सरसों के तेल के साथ सेक सकते हैं, और आप चाहें तो मेरी तरह नॉर्मल कुकिंग ऑयल के साथ सेक सकते हैं। बस उलट पलट कर और हल्का हल्का प्रेस करके मीडियम टू लो फ्लेम पर आप इसे 2 मिनट तक सेकिए, क्योंकि पराठा थोड़ा सा मोटा है और भरमा पराठों को अगर आप अच्छे से सेक लेते हैं तो उनका टेस्ट बहुत ही बढ़ जाता है। और अब आप देख सकते हैं कि इसमें हल्के हल्के क्रैक आने लगे हैं, यानी कि इसकी जो लेयर्स हैं वो खुलने लगी हैं। बस देखिए, और ये हमारा एक पराठा बनकर तैयार हो गया है। डिश आउट कर लेते हैं और सेम प्रोसेस से हम दूसरा पराठा बनाकर तैयार कर लेंगे। उसके लिए उसे गैस पे रख दिया, टर्न कर दिया ऑयलिंग की और उलट पलट कर इसे भी सेक लेंगे। एकदम बढ़िया से हमारा पराठा फूल गया है और बढ़िया से इस पर चिकती आ गई हैं। सेकते हुए 2 मिनट हो भी गए हैं और लीजिए ये भी सिक गया, इसे भी डिश आउट किया। और अब आप देखिए एकदम स्पेशल से हमारे पराठे बनकर तैयार हैं। बहुत ही बढ़िया कलर आया है और खाने में बहुत ही ज़बरदस्त हैं। मेरे यहाँ तो ये पराठे बहुत ही ज़्यादा पसंद किए जाते हैं स्पेशल सर्दियों में। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये पराठे की रेसिपी कैसी लगी। उम्मीद है पसंद तो आएगी। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इस तरीके से इन पराठों की रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो दोस्तों एकदम मिनटों में बनी हुई ये बहुत ही टेस्टी रेसिपी आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी, इसलिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें।